हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो नया टॉपिक है लेसन थर्ड में अडेप्टेशन फॉर सेफ्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं और कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइव्स ऑफ एनिमल्स आर ऑलवेज एट रिस्क एज प्रीडेटर्स आर ऑलवेज अराउंड देम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी ज़िंदगी जो होती है ना, उनकी जो लाइफ होती है वो हमेशा कैसी रहती है, खतरे में रहती है। क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो होते हैं उनके शिकार करने वाले जानवर जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं, यानी वो चारों तरफ से जो है वो ऐसे एनिमल से घिरे होते हैं जो उनका शिकार कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं have to cautious to sense of presence of predator and escape for them। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हमेशा अपने जान का खतरा रहता है वो हमेशा एनिमल्स जो उनके लिए खतरे हैं उनकी प्रेजेंस को सही समय पे जान पाए इसके लिए वो हमेशा सतर्क रहते हैं। उनमें ऐसे सेंस करने की क्षमता होती है ताकि वो हमेशा सतर्क रहें और जैसे ही उनको आइडिया लगे कि मतलब ये जो एनिमल मेरे लिए खतरा है वो आसपास ही है तो वो वहाँ से तुरंत भाग सकें। ठीक है, तो इस तरह के उनमें फीचर्स डेवलप होते हैं ताकि वो सतर्क रहें और तुरंत वहाँ से एस्केप कर सकें। ठीक है, यही चीज़ें जो होती हैं वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अपने प्रेडेटर से, शिकारियों से जो है बच के रहें, प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। ठीक है, तो आज हम केवल 3-4 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, बाकी के पॉइंट हम अगले वीडियो में चेक करेंगे। पहला जो वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वो क्या होता है, ज़्यादातर एनिमल देखोगे तो उनमें देखने की, सुनने की और सूंघने की यानी खतरे को, ठीक है, उसके लिए बहुत तेज सेंस ऑर्गन, बहुत शार्प सेंस ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल में अपने खतरे को देख सकें, सूंघ सकें और सुन सकें, इसके लिए उनमें बहुत तेज सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें चलने के लिए, स्विम करने के लिए, फ्लाई करने के लिए बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। ठीक है, ताकि वो शिकारियों से अपने आप को बचा सके। देखा है ना, शेर अगर हिरन देख ले शेर को तो इतनी तेज़ दौड़ता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें शिकारियों से बचने के लिए तेज़ दौड़ने, भागने, तैरने, उड़ने की क्षमता विकसित होती है। जैसे हिरन का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। इसके अलावा इसी प्रकार से अगर आप देखोगे माउंटेन गोट, ठीक है, वो जो चट्टानें होती हैं, खड़ी चट्टान होती है, उस पर बहुत तेज़ी से के साथ चढ़ जाता है ताकि वो अपने आप को शिकारियों से, जो उसको खाने वाले एनिमल हैं, कोई मारने वाले एनिमल हैं, उनसे अपने आप को बचा सके। ठीक है, इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुसार ब्लेंड कर लेते हैं, उसमें मिला लेते हैं, उसके जैसे बन जाते हैं। ठीक है, ये जो गुण होता है इसे कैमोफ्लेज कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप छिपकली को देखे हो ना, उस छिपकली बोल रहा हूँ, गिरगिट को आपने देखा है, गिरगिट क्या होता है, अगर पत्ती के ऊपर रहेगी तो ग्रीन कलर हो जाएगी, पेड़ तनों के ऊपर रहेगी तो वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, और अगर वो घास में रहेगी तो घास के कलर की हो जाएगी, फल के ऊपर आएगी तो रेड कलर या जो भी कलर का होगा उसमें हो जाती है। तो क्या करती है, जिस नेचर में रहती है उस नेचर के जैसा कलर या बॉडी चेंज कर लेती है, जिससे ये नहीं पता चलता है कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, जिससे लोग पहचान नहीं पाते और वो अपने आप को जो है अपने प्रीडेटर से बचा लेती है। ठीक है, इसी तरह आपने जेब्रा में देखा होगा, उस पर काली और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, जिससे हम समझ उसको पहचानने में कभी कभी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये जो कलर को, फिजिकली कलर को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ब्लाइंड कर लेना है, उसे कैमोफ्लेज कहा जाता है, और कैमोफ्लेज की क्षमता जो होती है कुछ जानवरों को अपने प्रेडेटर से बचाने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि इसके सही पर स्पॉट्स होते हैं और साथ में वो कलर भी चेंज कर पाती है। ठीक है, जैसे जेब्रा का एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, और कुछ कैमोफ्लेज ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं जिससे वो वातावरण से अपने आप को जो है बचा सके। ठीक है,
तो इस तरह से आज हम लोग केवल इतने ही अडेप्टेशन के बारे में, सेफ्टी के जो तरीके हैं उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।